हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। जबरदस्त, बड़ी पतली सी गली है ट्रेन में, शानदार। एंट्री करते ही शुरुआत हमारी कुछ ऐसे हुई। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ फर्स्ट एसी में CSMT राजधानी की, यानी हमारी CR राजधानी के फर्स्ट एसी में हूँ। ट्रेन नंबर है 2222, सारे टू हैं, पाँच डिजिट है, और ये चलती है निज़ामुद्दीन से मुंबई के बीच में। पुष्पल राजधानी है भारत की एकमात्र, अभी जो पुष्पल राजधानी है ये है हमारी CR राजधानी। आप कमाल का जो इंटीरियर देख रहे हैं ये हमारी सेंट्रल रेलवे की राजधानी है। बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा साफ सुथरी भी है। फूल हैं तो प्लास्टिक के, लेकिन खूबसूरती है हकीकत वाली दे रहे, शानदार, ज़बरदस्त। ये गली मुझे तो बहुत पसंद आ रही है, छोटी सी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई से हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली तक, यानी कि भारत की राजधानी से भारत की फाइनेंशियल राजधानी तक, क्या शानदार नज़ारा है। सफ़र भी बहुत लंबा है, नॉर्थ इंडिया से वेस्ट इंडिया की तरफ एक शानदार सफ़र। मुसाफत भी काफ़ी है, 1500 किलोमीटर का फासला है। दोनों ही बड़े शहर हैं इंडिया के, तो इस लिहाज से इस रूट पे अच्छा खासा रश भी होता होगा, लेकिन ये इंटीरियर बहुत शानदार है। ज़बरदस्त, मुंबई जाते हुए तो वैसे भी ये महाराष्ट्र के घाट वगैरह आते हैं रास्ते में, तो उस हिसाब से ये सफ़र सच में अमेजिंग होने वाला है, वीडियो ऑनर के लिए भी और किसी हद तक हमारे लिए भी। तो देखते हैं नॉर्थ से वेस्ट तक कितना खूबसूरत है हिंदुस्तान इस राजधानी एक्सप्रेस पे। और राजधानी का मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मुझे मेरे प्यारे व्यूवर्स ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि राजधानी एक्सप्रेस किसे कहते हैं, जो दिल्ली से किसी भी स्टेट के कैपिटल के लिए ट्रेन चलती है। उन सबका दिल से थैंक्स जिन्होंने हमें मालूमात दी। तो पहले ही मैं चाहता हूँ आप लोग को इंटीरियर दिखा दूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। आप देख सकते हैं क्या कमाल का इंटीरियर है ट्रेन का, स्केच साथ में ये देख सकते हैं, फ्लावर्स कितने प्यारे लगे हुए हैं, साफ़ सुथरा इंटीरियर है। नीचे फ्लोर में आप देख सकते हैं बिछा हुआ है कारपेट वगैरह, और सीटें तो हमेशा की तरह फर्स्ट एसी कम्फर्टेबल होती ही हैं। और ये रहा इसका अपर बर्थ में जाने के लिए, मुझे अपर बर्थ मिली है चार लोगों की सीट में, केबिन वाले हिस्से में, पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग होगी, नीचे पैसेंजर्स हैं, पर आप लोग से बात ज़रूर होती रहेगी और वीडियो ऐसे ही चलेगा। तो ये रहा इस ट्रेन के कूप का इंटीरियर, मैं आप लोग को कूप का इंटीरियर दिखा चुका हूँ। अब चलते हैं केबिन में, केबिन का इंटीरियर कैसा है इस ट्रेन का वो देखते हैं। और ये जर्नी है CR राजधानी के रिव्यू की, क्योंकि मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई के बीच में तीन राजधानियाँ चलती हैं, एक हमारी मुंबई राजधानी 12951, दूसरी अगस्त क्रांति राजधानी, और तीसरी हमारी ये CR राजधानी। बाकी दोनों राजधानियों का रूट सेम है, पर हमारी जो CR राजधानी है आगरा, झांसी, जलगांव, भुसावल के रास्ते नासिक होते हुए कल्याण के रास्ते जाती है मुंबई तक, इसलिए इसका रूट अलग है, हमें इसमें घाट सेक्शन देखने को मिलेगा, इसलिए जर्नी थोड़ी अलग है। तो चलिए इस ट्रेन का रिव्यू करते हैं, और पूरी जर्नी में आपको एंड में फाइनल ओवरऑल रिव्यू भी देखने को मिलेगा। इससे पहले चलिए जल्द से चलते हैं और देखते हैं केबिन का रिव्यू। तो दोस्तों ये हमारी CR राजधानी का केबिन का हिस्सा, मेरी पीछे वाली सीट है, उसमें एक नंबर अपर बर्थ मिली है। आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस है, यहाँ पे है आपकी चार्जिंग सॉकेट दोनों तरफ, अटेंडर कॉलिंग बेल, आप अटेंडर को बुला सकते हैं, साथ में यहाँ पे होना चाहिए रीडिंग लैम्प, ये रहा रीडिंग लैम्प, इसे रात में आप पढ़ सकते हैं। वो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ, और ये है ये टेबल जिससे आपको खाना पीना जिसमें सर्व किया जाएगा। तो ओवरऑल ऐसा है इसका इंटीरियर। अब चलते हैं इस जर्नी को शुरू करते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन से। ज़बरदस्त, जिस पास से गुजर रही है ट्रेन ये भी खूबसूरत है, रेड कलर की। हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली के स्टेशन, दिल्ली में स्टेशन है, और उसके पीछे भी रेड है। मुंबई जाने वाली तीनों राजधानियाँ एक साथ अभी जो निकली वो थी 12952 या 51 मुंबई राजधानी, और उसके पीछे अगस्त क्रांति राजधानी, और हम हैं मुंबई की ओर जाने वाली सेंट्रल रेलवे की CR राजधानी में। है ना कमाल की बात, तीनों राजधानी एक साथ एक ही जगह पर। अच्छा, इसलिए तीनों के कलर भी मिलते जुलते हैं, ये भी कोई निशानी होगी इंडियन रेलवे में, आसानी रहती है वैसे देखने वाले को भी। ये सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं, जूस से स्वागत है। ट्रेन साफ बहुत है। तो दोस्तों हमारी आपकी एक और जर्नी शुरू होती है आज एक और राजधानी में,
फिर से जा रहे हैं मुंबई की ओर, निजामुद्दीन से मुंबई सेंट्रल रेलवे की राजधानी में, और एग्जैक्टली ऑन टाइम 5:15 पे हमारा डिपार्चर निजामुद्दीन से हो चुका है। अब लेंगे इस बार रफ्तार के मजे, देखेंगे एक्सेलरेशन टेस्ट, ओके तो स्पीड में चलते हो कितने ओवरटेक्स मिलते हैं। चलिए देखते हैं निजामुद्दीन से डिपार्चर। शाम 5:15 बजे निकल रही है, सफ़र कोई 16-18 घंटे के दरमियान तो लाजमी होगा। ये अच्छी ट्रेन है शायद इसलिए इसको तो टाइम थोड़ा भी लग जाए, क्योंकि फासला बहुत ज़्यादा है, 1500 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है, और दोनों ही बहुत बड़े शहर हैं इंडिया के, बल्कि दो बड़े शहर हैं इंडिया के अपनी जनसंख्या को लेके, तो इस हिसाब से रेलवे को लेके भी ये रूट बहुत बिजी होगा। लेकिन अब जिस तरह DMIC बन रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और उसके प्रोजेक्ट के तहत एक बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उसके बाद रेलवे में फ़र्क आएगा यात्रियों को लेके। जब कोई भी अपनी प्राइवेट गाड़ी से 10 से 12 घंटे में पहुंच जाएगा दिल्ली से मुंबई, 6 लेन का एक्सप्रेस है, बहुत ही शानदार, उसमें तो कुछ जंगलात का इलाका भी आता है, शायद इस रास्ते में भी कुछ शानदार देखने को मिले। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति, दुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन, ये यूपी के बाद महाराष्ट्र से बीच में शायद भी कोई और रियासत भी आए, मध्य प्रदेश या राजस्थान, नहीं राजस्थान तो दूसरी साइड पर रह जाएगा, शायद MP बीच में आए या गुजरात का कुछ हिस्सा भी आए। चले देखते हैं जी कौन कौन सी रियासतें आएंगी और कौन कौन से शहर आएंगे, और नॉर्थ से वेस्ट की तरफ क्या क्या शानदार देखने को मिलेगा। स्पीड तो बड़ी ज़बरदस्त पकड़ ली है, दिल्ली से निकलते कोई दरिया या नदी वगैरह भी रास्ते में आती है, वो पता नहीं हर रास्ते में आती है कि नहीं। ये एग्रीकल्चर ज़रात, इंडिया एक बड़ा ज़रई मुल्क भी है। दोस्तों हमारी यात्रा शुरू होने के बाद ही जमीन जैसे स्टार्ट होती है तो हमें टी सर्व कर दी जाती है, रेडीमेड टी है, और एक वेलकम ड्रिंक भी दी जाती है साथ में वेट वाइप्स, और यहाँ आप देख सकते हैं समोसा, और ये है नट्स, इसमें आलमंड्स दिए गए हैं हमें, रोस्टेड आलमंड्स, मफिन, और बाकी चाय बनाने की सामग्री जो शुगर वगैरह है ये सब हमें दिया गया है। तो ओवरऑल सर्विसेज की शुरुआत हो चुकी है, टेस्ट करके देखते हैं चाय का टेस्ट कैसा है, क्योंकि बाकी राजधानी में जहाँ पे हमें बनानी पड़ती है तो वो सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलता है, तो इसमें शुगर लेस है अभी फ़िलहाल, इसमें शुगर ऐड कर लेते हैं थोड़ी। थोड़ी तो नहीं, सारी ही कर गए वीडियो अंदर शुगर ऐड। नॉर्थ की चाय अच्छी होनी चाहिए, वेस्ट और साउथ से तो अच्छी होगी। हेलो फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं विनती करनी है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें, और हाँ इस वीडियो को भी लाइक कर दें, धन्यवाद। चाय तो बेटर लगी बाकी ट्रेन के कंपैरिजन में, अब समोसे का भी टेस्टिंग हो जाए इधर ही। समोसा बड़े अहतमाम के साथ पैक किया गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी ऑयली है समोसा, ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है साफ साफ टच करने में, मज़े का भी दिखता है पर टेस्ट सेटिस्फैक्ट्री है। ओवरऑल इवनिंग स्नैक की बात की जाए तो उसे मैं 10 में 7 रेटिंग देना चाहूँगा, अच्छा है, क्वांटिटी भी ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को और इन्जॉय करते हैं राजधानी, चलिए इन्जॉय करते हैं जर्नी को और करते हैं राजधानी का स्पीड टेस्ट। ओ 129, ये 130 को हाथ लगा रही है, चलो ये घाटी माँ जितनी तेज़ तो नहीं है जो 160 पे जाती है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी है। इंडिया की बहुत सी ट्रेनों के ट्रैक जो हैं वो स्पीड को सपोर्ट करते हैं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। पाकिस्तान में बस कुछ एक एरिया ML1 पे है, मेन लाइन 1 पे, जो 100-110 को सपोर्ट करता है, उसके अलावा तो यहाँ पर 70-80 यहीं तक स्पीड रहती है, और फिर लाहौर से कराची अगर जाना हो तो लोग फिर रोड को प्रेफर करते हैं। हो गया, उम्मीद करता हूँ इसमें रफ्तार पसंद आई होगी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर के बताइएगा, पर अभी बारी है ट्रेन के टॉयलेट को रिव्यू करने की, क्योंकि हमारी जर्नी में एक और मेन चीज़ होती है टॉयलेट की साफ सफाई, चलिए देखते हैं कैसी है। मैं आपके लिए बहुत सारी सर्विस करता हूँ और ट्रेन रिव्यू लाता रहता हूँ, ट्रैवल करें आपको दिखता, तो आपको पता हो उस ट्रेन में क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, तो ये रही सेंट्रल।
क्लीन है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। अभी तक ट्रैवल की गई मेरी ट्रेनों में सबसे क्लीन इसी ट्रेन का रहा है, ट्रूली बताऊँगा। और इसे मैं 10 में 10 रेटिंग देना चाहूँगा। आप लोग कितनी रेटिंग दोगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और कुछ ऐसा हाल है हमारी ट्रेन के वॉशरूम्स का, वापस से चलते हैं अंदर कि हमारी सर्विसेज अभी जारी है, क्योंकि हमारी सर्विसेज अभी जारी है। अभी 6:54 हो रहे हैं और हमें सूप सर्व कर दिया जाता है, वेजिटेबल सूप। अभी मैंने कॉर्न सूप लिया है टेस्ट करने के लिए आप लोगों के लिए कैसा है, और टोमेटो भी बाद में लेंगे और रिव्यू करेंगे कैसा है दोनों का टेस्ट। ये स्वीट कॉर्न का सूप है, ट्रेन में ही बना हुआ इसलिए काफ़ी फ्रेश लग रहा है टेस्ट में। बाकी अमूल की बटर दी गई है, उसमें ब्रेड स्टिक्स है, वो तो सेम ही रहेंगे, पर सूप काफ़ी टेस्टी है। टोमेटो वाला भी आने वाला है, उसका भी टेस्ट करके आपको बताता हूँ। तब तक के लिए आप लोग देखिए मथुरा स्टेशन। दोस्तों हमारी जो ट्रेन है उसका मथुरा जंक्शन पे स्टॉपेज नहीं दिया गया है। मथुरा को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से मुंबई की ओर लाइन गई है वाया रतलाम बड़ोदरा होते हुए, और जिस लाइन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये आगरा झांसी इटारसी जलगांव भुसावल होते हुए मुंबई तक जाती है। और दोस्तों मथुरा जंक्शन से एक और रूट गया है कासगंज फरुखाबाद के रास्ते कानपुर की ओर। अभी तो शायद यूपी में फेर रहे हैं दिल्ली से निकल के, ज़्यादातर एरिया भी यूपी का ही होगा, काफ़ी बड़ी स्टेट है, पॉपुलेशन को लेके तो पहले नंबर पे है। रात हो गई है दोस्तों, हमारा टोमेटो सूप भी आ चुका है। और बात की जाए सूप के रिव्यू की, तो जो कॉर्न का सूप था वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था कंपेयर टू टोमेटो के सूप। टोमेटो सूप थोड़ा नॉर्मल लगा मेरे को बाकी राजधानियों का कंपेरिजन में, लेकिन जो स्वीट कॉर्न का सूप था वो काफ़ी बेटर था। तो आप लोग जब यात्रा कर रहे हैं तो प्रेफर कर सकते हैं, दोनों के दोनों सूप आपको टेस्ट करने को मिलेंगे, लेकिन स्वीट कॉर्न का सूप आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये ऐसा मैं कहना चाहूँगा। तो आप लोग अगर जर्नी करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा बेहतर लगा इन दोनों में से। चलिए देखते हैं आगरा कैंट में अराइवल। आगरा ताजमहल वाला शहर आ गया, ज़बरदस्त। ताजमहल तो फिर वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया को तो बहुत कदर है ताजमहल की, आगरा वालों को है कि नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन ये आगरा की एक पहचान है ताजमहल। और स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रोशनी है। पहुँच गए आगरा कैंट और अमन भाई हमसे मिल चुके हैं, आप लोग इनसे कनेक्ट एक्सप्रेस जर्नी में मिलोगे। अमन भाई कैसे अपडेट मिली आपको? आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट पे, मतलब आप रेगुलरली वीडियोस में बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, तो मैंने उस वजह से फॉलो किया और आपके रेगुलर अपडेट्स की वजह से मैंने देखा आप लॉट भाई आने के लिए। और आपका आगरा किस लिए फेमस है बता दो, दो चीज़ें बेटा और ताजमहल, आप सबको तो पता ही होगा। और हमारी सिया राजधानी यहाँ शाम को आती है, तो ये सारी चीज़ें आप ताजमहल तो नहीं लेकिन पेठा ज़रूर आपको प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हो जाता है, तो ज़रूर लीजिएगा। और मैं थोड़ा अमन से बात करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से डिपार्चर, और ट्रेन यहाँ पर राइट टाइम आ चुकी है। आगरा से लेकर रहे हैं, ताजमहल तो दिखाई नहीं देगा लेकिन पेठे का बता रहे कोई मिठाई है या क्या, कोई खाने वाली चीज़ है। अब ताजमहल तो यहाँ उठवा के लाने से रहे। समय से चल चुके हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से, और हमारे सामने उस तरफ खड़ी हुई है पैलेस ऑन व्हील्स, जिसे आप देख सकते होंगे। किशनगढ़ सैलून उसमें लगा हुआ है, देख सकता हूँ मैं, कोटा सैलून लगा हुआ है, सिंधी सैलून लगा हुआ है, काफ़ी कमाल की ट्रेन है। और दूसरी तरफ हमारे आ चुकी है जबलपुर अटारी एक्सप्रेस, इसमें WAP-7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। पैलेस और अब हम लोग फाइनली आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से चल चुके हैं पुष्पुल मोड में, क्योंकि हमारी राजधानी में पुष्पुल लोकोमोटिव्स लगे हुए हैं। एक वीडियो में इंडिया की 10 अमेजिंग और महंगी ट्रेन लग्जरी ट्रेनें देखी थी, उसमें मैंने ये नाम सुना था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और भी कई थी, महाराजा एक्सप्रेस थी। और दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा मुझे अमन से मिल करके, अचानक से मैंने उन्हें देखा प्लेटफॉर्म में आए वो, और मैंने एक अपडेट की थी इंस्टाग्राम में जिसका थ्रू वो पहुँच पाए मुझ तक। तो आप लोग भी ऐसे अपडेट से जुड़े रहना चाहते हो इंस्टाग्राम में फॉलो करो द ट्रेन गुरु। पीछे आप देख सकते हो सुंदर सा बैकग्राउंड, 2AC का है ये बैकग्राउंड, तो हमारे बैकग्राउंड से भी मिलता जुलता लग रहा है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत। और इंस्टाग्राम में ट्रेन गुरु आईडी है, फॉलो करो, ऐसे ही आप लोग भी मिल सकते हो और मैं आप लोग से मिलने का मौका पा सकता हूँ। तो कुल मिला के जर्नी आगे की चल रही है, आगरा कैंट से हम लोग चल चुके हैं, ट्रेन की रफ्तार 130 लगातार बनी हुई है। अब देखते हैं डिनर में क्या सर्व होने वाला है। क्या बात है यार, तो भाई भर भर के दिया जाता है। दोस्तों हमारी सिया राजधानी में कॉन्टिनेंटल खाने की भी सुविधा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल में हमें मैक्रोनीस, बॉइल्ड बीन्स एंड वेजिटेबल्स, और साथ में कटलेट, ब्रेड बटर, ये सब चीज़ें सर्व की जाते हैं।
और डिनर में हमें सर्व किया गया मिक्स्ड वेज की सब्जी और यहाँ पे पनीर की सब्जी और ये रही दाल फ्राई, बहुत ही टेस्टी है। ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो मैं इसे 10 में 9 रेटिंग देना चाहूँगा, मतलब परफेक्टली कुक्ड और ये सब गर्म खाना हमें ट्रेन जर्नी में नहीं मिल पाता। ये सब चीज़ें केवल राजधानी के फर्स्ट एसी में पॉसिबल है या दुरंतों के फर्स्ट एसी में, क्योंकि ये सब चीज़ें ट्रेन में गरम गरम बनती हैं फर्स्ट एसी क्लासेस में। बाकी 2 AC 3 AC का खाना IRCTC द्वारा स्टेशन में चढ़ाया जाता है, ये एक फ़ायदा हुआ इस जर्नी का और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसमें खाने को टेस्ट करके, काफ़ी अच्छी सर्विस भी है ट्रेन की। इंडिया के खाने तो वैसे ही बड़े मज़े के हैं, दुनिया भर को जायके बांटता हुआ हिंदुस्तान। चलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ, आप लोग से मिलता हूँ इसके बाद झांसी अराइवल में। मसालों का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश इंडिया के जायकों की क्या बात है। ये कुछ लगता है मीठे में मिल रहा है शायद। फिर से कोई स्टेशन आ गया, अब की बात देखते हैं। ट्रेन ग्वालियर जंक्शन स्किप कर रही है। ग्वालियर की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है यहाँ की नैरो गेज ट्रेन जो कि श्योपुर कलान तक चलती है। अगर आप लोगों ने उसमें यात्रा की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैंने तो उसमें यात्रा की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी। चैनल पे वो जर्नी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा उसमें। फिलहाल हमारी सियार राजधानी निकल चुकी है अच्छी रफ्तार में ग्वालियर जंक्शन से। रफ्तार अच्छी है, 130 किलोमीटर बड़ी शानदार रफ्तार है। 16-17 घंटों में तो उम्मीद है कि पहुँच जाएँगे दिल्ली से मुंबई। अब तो रात गहरी हो चुकी है, बाहर के तो कोई नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे और यहाँ पर तो बिल्कुल भी घाट सेक्शन नहीं आना चाहिए इतने अंधेरे में। तो दोस्तों समय हो चला है झांसी पहुँचने का, 9:40 हो रहे हैं और एकदम एग्जैक्टली राइट टाइम हम लोग झांसी आउटर पे एंट्री कर रहे हैं। सियार राजधानी जो है कमाल की चली है, मतलब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए इसने गतिमान के जितना ही समय लिया है दिल्ली से झांसी। और गतिमान भारत की सबसे तेज ट्रेन है और जिसमें हमें फूड सर्विस जो खाना हमें प्रोवाइड किया गया था वो भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फ्रेश था। तो ओवरऑल अभी सर्विस अब तक की सर्विसेज काफ़ी अच्छी रही हैं। हम लोग पहुँचने वाले हैं झांसी जंक्शन और झांसी को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से लखनऊ की ओर जाने वाली लाइन अलग होती है और दिल्ली की ओर जाने वाली लाइन अलग होती है, तो इसलिए झांसी को जंक्शन कहा जाता है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, हर रूट की गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं, कई ट्रेनों का यहाँ पर मेंटेनेंस होता है, साफ़ सफाई होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं और यहाँ पर लोको क्यू चेंज भी कई ट्रेनों में देखा जाता है। हमारी ट्रेन में जहाँ तक यहाँ पर लोको स्टाफ चेंज होगा तो देखते हैं झांसी में अराइवल और उसके बाद बात करते हैं सियार राजधानी के बारे में। झांसी का नाम जब भी सुनो झांसी की रानी का जहन में आता है, वो जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ब्रिटिश के ख़िलाफ़ मर्द बन के मैदान में लड़ी थी। आज़ादी की एक बड़ा नाम है आज़ादी की तारीख में उनका। अच्छा स्टेशनों पे एक चीज़ देखने को बहुत अच्छी मिल रही है, डिसिप्लिन है, कोई बेहंगम लोग नहीं हैं कि बिल्कुल अफरा तफरी हो और रोशनी का इंतज़ाम बहुत बेहतर है। हम लोग अब झांसी से चल चुके हैं 5 मिनट के स्टॉप के बाद। यहाँ पे ट्रेन आई थी 9:45 और 9:50 ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। काफ़ी पंक्चुअल ट्रेन है, काफ़ी हाई स्पीड रही है, गतिमान को टक्कर दिया है ट्रेन ने, एग्जैक्टली गतिमान जितना समय लिया है, बल्कि गतिमान एक्सप्रेस 160 की रफ्तार से चलती है और हमारी जो सियार राजधानी है ये 130 की रफ्तार में नॉन स्टॉप चलती आई है। ट्रेन टोटल 1500 किलोमीटर यानी 1535 किलोमीटर्स को ट्रैवल करने के लिए 18 hours 25 minutes लेती है, बीच में केवल 6 रुकती है। जैसे हो गया आपका मथुरा स्किप करती है, टोटल केवल 6 रुकती है। जैसे हो गया आपका आगरा, झांसी, भोपाल, जलगांव, नासिक रोड, कल्याण और मुंबई। काफ़ी कमाल की ट्रेन है, रात काफ़ी हो चुकी है, देखते हैं झांसी से डिपार्चर। फिर मैं आप लोग से कल सुबह मिलूंगा घाट सेक्शन में, जलगांव के जो घाट सेक्शन आने वाला है। तब तक के लिए गुड नाइट, ख्याल रखिए आप लोग और देखिए झांसी से डिपार्चर हमारा। अगर ये भोपाल भी पहुँचती है इसका मतलब है ये मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। ठीक, झांसी से निकल रही है और वीडियो उन्होंने तस्दीक कर दी, 1530 किलोमीटर का फासला और 18 घंटे 25 मिनट में तय करना है। मेरा अंदाज़ा काफ़ी करीब करीब था, मुझे इस बात पर भी बहुत अच्छा लग रहा है। 1530 किलोमीटर 18 घंटे में ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सर्विस है अगर पहुँचती अपने टाइम पर, जो कि यकीनन पहुँचेगी क्योंकि अभी तक कहीं भी लेट नहीं हुई और 160 किलोमीटर वाली ट्रेन का मुकाबला कर रही है घटीमान एक्सप्रेस का 130 पे चल के भी।
अभी तो इंडिया में काफ़ी स्टेशनों पे काम हो रहा है, तकरीबन 100 स्टेशन जिन्हें जदीद बनाया जाएगा। एक दो देखे भी हैं, भोपाल से याद आ रहा है, भोपाल का रानी कमलापति देखा था, और बंगलौर का है गांधीनगर का। सेंट्रल रेलवे की राजधानी की फर्स्ट जर्नी के सेकेंड डे में आप सभी का स्वागत है, और मुझे लगता है हम लोग जलगांव पहुंच चुके हैं क्योंकि टाइम एग्जैक्टली 6 बजे हुए हैं, और ये गाड़ी टाइम को ज़रूर मैच करती है। तो हमारा अंदाज़ा सही था, हम लोग जलगांव पहुंच चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जलगांव को जंक्शन क्यों कहा जाता है। जलगांव को जंक्शन इसलिए कहा जाता है, अभी तो आप देख लेंगे हम लोग मुंबई लाइन में बढ़ी रहे, एक और यहाँ से जाता है वो उधना की ओर जाता है सूरत, जलगांव से सूरत की ओर फिर रुक जाता है, इसलिए इसे जंक्शन कहा जाता है। और ये 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, आप लोग देख रहे हैं 2 प्लेटफॉर्म, अब मैं इस तरफ आपको दिखाता हूँ कितने प्लेटफॉर्म। डोर को ओपन किया और अब आप देखिए इधर भी 1 2 3 इस तरफ प्लेटफॉर्म हो गए, दो इस तरफ हो गए। तो आप लोग समझ गए होंगे जलगांव कितने प्लेटफॉर्म्स का है, और हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आए हैं। तो 3 ये रहा, 4 वो रहा, 5 वो रहा, ये रहा कुल मिला के जलगांव रेलवे स्टेशन। अभी अभी सुबह हुई है, अर्ली मॉर्निंग शॉट्स का मैं हमेशा की तरह वेट कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को अर्ली मॉर्निंग शॉट्स दिखा पाऊँ, और इसके बाद घाट सेक्शन भी शुरू होने वाला है तब मैं आपको कर वगैरह भी दिखा पाऊँगा इस रूट के। तो दोस्तों मैं पार्ट 1 को ही एंड करना चाहूँगा क्योंकि रात रात की जर्नी जो थी वो पार्ट 1 में दिखाना चाहूँगा, और जो अगला पार्ट है घाट सेक्शन वो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। जो घाट सेक्शन है, मुंबई अराइवल है, लोकल से रेस है, एक और बार इंटीरियर है, ये सब चीज़ें हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए एंड कर रहा हूँ ताकि सब तक पहुँचे, और पार्ट 2 भी आप लोग पूरा देखेंगे क्योंकि मुझे पता है घाट सेक्शन आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर इसी पार्ट में मैं लगा दूंगा तो लोग बोर हो जाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, और मैं रेल फैन हूँ तो मैं पूरी चीज़ें दिखाता हूँ, मैं कुछ स्किप नहीं करना चाहता हूँ। तो भुसावल स्किप भी मैं भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के तुरंत बाद ही, जैसे वीडियो एंड करता हूँ भुसावल स्किप भी देखिए रात में आया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे और ढेर सारी जर्नीज में, ट्रैवल वीडियोज में, ट्रैवल रिव्यूज में, तब तक ख्याल रखिए आप लोग और वेट करिए पार्ट 2 का। जय हिंद दोस्तों, और एंजॉय कीजिए भुसावल स्किप। ये तो एक बीच में ही छोड़ गए, जलगांव में उतार दिया, कहीं जाइएगा मत, मिलूंगा आप लोगों से अगले पार्ट में जहाँ पे आप लोग देखेंगे बहुत ही सुंदर डे लाइट की जर्नी, इगातपुरी कसरा घाट से गुजरती हुई हमारी खुशबुल राजधानी एक्सप्रेस, साथ में आपको देखने को मिलेगा मनमाट का हाई स्पीड स्किप और थम्सअप हिल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपका इंतजार कर रही हैं अगले पार्ट में। तो मिलूंगा जल्दी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद दोस्तों। आधे रास्ते में छोड़ दिया, चलें अगर आप कहेंगे तो फिर हम भी देखेंगे ज़रूर, क्योंकि वही तो देखने वाले नज़ारे थे जिसके लिए इतना इंतज़ार किया, महाराष्ट्र के खूबसूरत घाट। इसी पूरे सफ़र का वही अमेजिंग हिस्सा था ज़्यादा। वीडियो वालों ने तो हमें बीच में उतार दिया, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम इसका पार्ट 2 मुंबई तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अपने नेचुरल ब्यूटी को लेके वो पार्ट इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। बहुत शानदार है जी, इंडिया की खूबसूरत रेलवेज़ के ऊपर खूबसूरत नज़ारों के साथ सफ़र देखने का सिलसिला जारी है, और ये इंडिया की राजधानी दिल्ली के स्टेशन निज़ामुद्दीन स्टेशन से निकली थी जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई तक जानी थी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक, लेकिन वीडियो ऑनर ने इस वीडियो को सेंटर में स्किप कर दिया और जलगांव नामी स्टेशन के ऊपर यात्रियों को उतार दिया गया। सफ़र पूरा तो नहीं दिखाया गया, क्योंकि इस सारे सफ़र का सबसे अमेजिंग पार्ट जिसका मैं एंड तक वेट करता रहा वो महाराष्ट्र के खूबसूरत घाट थे जिन्हें हम मॉनसून के मौसम में ऑलरेडी देख चुके हैं। बहुत लंबा सफ़र है ये, 1530 किलोमीटर का सफ़र जो 18 घंटे और 25 मिनट में तय किया जाने। दिल्ली और मुंबई दोनों इंडिया के बड़े शहर हैं, बल्कि इंडिया के दोनों बड़े शहर हैं अपनी पॉपुलेशन को लेके, इस लिहाज से यकीनी तौर पर इस रूट के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता होगा, लेकिन वीडियो ऑनर जिस राजधानी एक्सप्रेस पे सफ़र कर रहे हैं वो लग्जरी दिखाई दे रही थी, और वहाँ की सुविधाएँ बता रही थी कि यहाँ पर सफ़र करना अच्छा खासा महंगा सौदा होगा। और अगर राजधानी एक्सप्रेस की बात करें तो दिल्ली से मुंबई तक 3 राजधानी एक्सप्रेस चलाई जाती हैं, और एक वीडियो में जब हमने फर्स्ट टाइम राजधानी एक्सप्रेस सुना था, वैसे तो कई बार सुना हुआ है लेकिन गौर के साथ जब राजधानी एक्सप्रेस सुना था तो सवाल पैदा हुआ था जेहन में कि राजधानी एक्सप्रेस का मतलब क्या है, क्योंकि राजधानी दारुल हुकूमत या दारुल खिलाफा से मिलता जुलता है। तो हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने हमें बताया था कि राजधानी एक्सप्रेस वो ट्रेन है जो इंडिया की राजधानी दिल्ली को इंडिया की मुख्तलिफ स्टेट्स की राजधानी के
साथ लिंक करती है। उन सब व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा थैंक्स, और इन सब के लिए एक पैगाम कि आपकी मदद की ज़रूरत और आपकी रहनुमाई की ज़रूरत और आपकी यूज़फुल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। और ये सफ़र बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, लेकिन फिर से कहूँगा जिस हिस्से का इंतज़ार करता रहा वो नज़ारे देखने को नहीं मिले, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेन में सहूलतें बहुत ज़्यादा थी और खाने को लेकर भी ये ट्रेन अच्छी खासी दिखाई दे रही थी, भर भर के दिया जा रहा था और इंडिया के जायके खिलाए जा रहे थे इंडिया के ही शहरियों को। रेलवे भारत में एक बहुत कामयाब इदारा साबित हुआ है जिसने भारत के करोड़ों लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलतें फराहम किया और अब ये अपनी न्यू इरा में दाखिल हो रहा है, बुलेट ट्रेन का ज़माना आ रहा है। इसके साथ साथ अगर आप मौजूदा वक्त की बात करें तो वनडे भारत एक्सप्रेस अपने कुछ हिस्से के ऊपर अपनी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक भी जाती है। इसके साथ साथ दिल्ली से ही चलने वाली गाटीमान एक्सप्रेस भी 160 किलोमीटर को हाथ लगाती है और जो ये राजधानी है ये भी 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मुसलसल चलती हुई दिखाई दे रही थी। तो इंडिया में रेलवे पहले भी बहुत कामयाब था और अब इसमें एक नया ज़माना आने जा रहा है और बुलेट ट्रेन उसकी सबसे बड़ी निशानी बनेगी, जो भारत की रियासत गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद से महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई तक चलाई जाएगी। बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं, वो प्रोजेक्ट अपने वक्त से लेट हो चुका है, लेकिन अब बहुत बेस्ट विशेज़ हैं कि जल्द अज जल्द वो मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो और भारत की ट्रेनों को इंजॉय करने वाले यात्री अब बुलेट ट्रेन के भी मज़े ले सकें। वो 500 किलोमीटर के आसपास का सफ़र होगा जो 3-3.5 घंटे में तय कर लिया जाएगा और उस सफ़र को करने के लिए लाखों बल्कि करोड़ों भारतीय बेताब बैठे हैं। तो बेस्ट विशेज़ हैं कि वो वक्त भारतीयों की ज़िंदगी में जल्द अज जल्द आ जाए। इस वीडियो के यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियोस मिलती रहे। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।